Hi students, CA ANUJ. This is your second lecture in the series of ultra quick revision. So, हम लोगों ने first lecture किया ना, we had remember everything about materials. Now, everything is going to be all about labor. Obviously, तुम्हारी cost sheet के अंदर भी तुम्हारा जो second head है, that is labor. ICA loves material and labor के questions. Okay, so you'll find them in each and every attempt. तो start कर लेते हैं with what you all have done in class. तो सबसे पहले एक सेकेंड, वर्कर्स कैन बी पेड बेस्ड अपॉन टू काइंड ऑफ सिस्टम्स. यू हैव अ पीस रेट सिस्टम जहां पे वर्कर लोगों को पेमेंट मिल जाएगा बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स. वहां पर वेजेस कैसे मिलता है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट. टाइम बेस्ड सिस्टम काम कैसे करता है, सराल पे यू बेस्ड अपॉन रेट पर आर. तो टोटल वेजेस कैलकुलेट कैसे होता है, दैट इज नंबर ऑफ आर्स वर्क इंटू रेट पर आर. ठीक है, अगर एक ही रेट होगा रेट पर यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज एसपीआर रेट. एसपीआर बोले तो सिंगल पीस रेट या स्ट्रेट पीस रेट. अगर यू हैव डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी, दिन का इतना यूनिट्स बना तो इतना रेट देगा, इतना यूनिट बना तो इतना रेट देगा, दैट इज कॉल्ड एज ए डीपीआर सिस्टम. डीपीआर सिस्टम मतलब डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी. ठीक है, ये अपना फर्स्ट डिस्कशन था दैट वी ऑल हैव डन. अच्छा, नाउ कमिंग टू टाइम सिस्टम. टाइम सिस्टम के अंदर अगर वर्कर एफिशिएंट होगा, आप लोग उसको बोनस भी दीजिए. फिर बोनस इन दिस पर्टिकुलर केस कैलकुलेट कैसे होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्कीम दैट यू आर ट्राइंग टू फॉलो एज सच. ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. तो सुनो, बोनस के लिए देर आर टू फेमस स्कीम्स विच आर देयर. टू फेमस स्कीम्स, यू हैव अ हैल्से स्कीम, जेम्स हैल्से, यू हैव अ रोवन स्कीम, एडवर्ड रोवन. तो हैल्से के अंदर अगर सबने कुछ नहीं बोला, व्हाट डू वी डू, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आर, ये आपका बोनस हो जाएगा. उसके अलावा जो बंदा जितने आवर्स काम कर रहा है उसके लिए बेसिक वेजेस तो दे दो. रोवन के अंदर फॉर्मूला बदल जाता है, दिस इज टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू बेसिक वेजेस. तो जितना भी आएगा उतना बोनस वो दे देना, बेसिक वेजेस तो आपको वैसे भी पे करना है. ठीक है, हैल्से एंड रोवन आर टू ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर्स इन द टाइम बेसिस सिस्टम. तो याद रखना, कभी भी आपको हैल्से, रोवन या फिर टाइम बेसिस सिस्टम के अंदर आप लोग बात कर रहे हो, तो एक छोटा सा चीज बस, एंड दैट छोटा सा चीज इज समथिंग लाइक दिस, दैट पहले आपको यहां पर तीन चीजों की जरूरत पड़ती है. कौन सी तीन चीजों की, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड. टाइम अलाउड का फुल फॉर्म टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, टाइम टेकन मतलब टाइम टेकन फॉर एक्चुअल आउटपुट, टाइम सेव मतलब टाइम सेव फॉर एक्चुअल आउटपुट. तो ये तीनों चीजें हमेशा पहले निकाल दिया करो, टाइम अलाउड, टाइम टेकन. टाइम टेकन मतलब आवर्स वर्कड, ओके, एंड टाइम सेव्ड. ओके, ये तीनों चीजें निकाल लो. लेकिन टाइम अलाउड निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ेगी. व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड टाइम, इट इज अ टाइम अलाउड बाय द मैनेजमेंट टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ योर प्रोडक्ट. और इस टाइम के अंदर हमेशा स्टैंडर्ड टाइम इंक्लूडेड होता है. इसके अंदर हमेशा स्टैंडर्ड टाइम इंक्लूडेड होता है. ठीक है, चलो आगे. तो सबसे पहले देखो, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था. टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 8 आवर्स, आर्ली रेट इज 8, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग बोनस अर्नड, टोटल अर्निंग्स ऑफ लेबर एंड आर्ली अर्निंग्स अंडर हैल्से एंड रोवन फॉर ईच आवर सेव्ड प्रोग्रेसिवली. उसका मतलब क्या था, टाइम अलाउड इज 8 आवर्स. सोचो अगर बंदे ने एक घंटा बचाया तो, मतलब अगर 7 आवर्स लिया तो टाइम सेव कितना हो जाएगा, 1. उसके बाद सोचो 2 घंटा बचाया तो, मतलब कितना आवर्स लिया, 6 आवर्स, सो ऑन एंड सो फोर. तो ऐसा हम लोगों ने 7 बार मेरे ख्याल से कुछ कॉलम्स बनाए थे. तो आप लोग पहले क्या कर लो, बोनस निकालने से पहले हमेशा बेसिक वेजेस कंप्यूट क्या करो. बेसिक वेजेस कैसे मिल जाएगा, आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, वो वाला काम कर लो. एक बार वो वाला काम कर लोगे उसके बाद कैलकुलेट द बोनस बाय द फॉर्मूलास. ओके, तो हैल्से का फॉर्मूला कुछ नहीं बोला तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आर. अपार्ट फ्रॉम दैट, रोवन का टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू बेसिक वेजेस. बोनस निकालने के बाद प्लीज ऐड द बेसिक वेजेस टू अराइव एट टोटल बोनस. और अगर सामने तुमको एक और बार पूछा आर्ली अर्निंग्स बताओ, तो याद रखना ये जो था ना, ये तुम्हारा आर्ली रेट था, बेसिक वेज रेट. ठीक है, अभी अगर आर्ली अर्निंग्स पूछा उसका मतलब क्या है, बेसिक वेजेस के अंदर बोनस जोड़ो और फिर रेट पर आर कितना आता है वो वाला चीज निकालो. ठीक है, चलो ये वाला हो गया. अभी आगे
bonus paid under HALSE plan with bonus at 50%, मतलब 50% वाला formula use करने का, equals to bonus paid under O1 system. When will this statement hold good? तुम लोग को याद होगा तो HALSE के अंदर क्या होता रहता है? जैसे जैसे एक एक घंटा बचाते रहते हो ना, तो तुम्हारा bonus बढ़ता रहता है. तो HALSE के ना every worker wants to complete the job faster. Why? ताकि उसका bonus बढ़ जाए. O1 के अंदर क्या होता है? कि आप लोग जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा बोनस तो बढ़ जाएगा लेकिन एक लिमिट तक. वो लिमिट क्या है? व्हेन द जॉब इज कंप्लीटेड इन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टाइम. एग्जांपल, जॉब को 10 आवर्स लगना चाहिए था, 5 आवर्स लग गया. ठीक है, रोवन स्कीम के अंदर दिस इज द स्टेज व्हेन यू विल बी गेटिंग हाईएस्ट बोनस. अगर इसके बाद भी स्पीड बढ़ाओगे तो बोनस कम हो जाता है. तो रोवन वॉज अ परफेक्ट स्कीम क्योंकि रोवन के थ्रू वर्कर्स लोगों को क्या समझ में आता है, यार अगर मैंने प्रोडक्ट का मैंने स्पीड और बढ़ाने का ट्राई किया ना, मेरा बोनस कम हो जाएगा तो मैं और स्पीड बढ़ाऊंगा ही नहीं. ऑटोमेटिकली क्वालिटी विल बी प्रिजर्व्ड. ओके, सो रोवन स्कीम इज दैट स्कीम दैट हेल्प्स अस टू प्रिजर्व क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स क्योंकि वर्कर्स लोग को अननेसेसरी मोटिवेशन नहीं होता कि काम जल्दी खत्म करो. ठीक है, आगे. नाउ यहां पे टू वर्कर्स की स्टोरी थी, विश्वा एंड भीमा. एक का जो है रोवन सिस्टम है, दूसरे का जो है वो यहाँ पे HALSE सिस्टम है. ठीक है, तो और यहाँ पे अपने को फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ था. तो जरा याद करो, हम लोगों ने कुछ इक्वेशन ऐसे बनाया था, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू DM प्लस DL प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, एक बार विश्वा के लिए, एक बार वो भीमा के लिए. दोनों के लिए मटेरियल कॉस्ट तो सेम था, लेबर आपको दो बार कंप्यूट करना पड़ेगा. दो बार मतलब एक बार आपका बेसिक वेजेस, एक बार आपका बोनस. और फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए यहाँ पे रेट पर आ 10 रुपीज वो दिया हुआ था. अकॉर्डिंगली इक्वेशन बना के अपने आंसर आ गए थे. ठीक है, आगे. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सामने क्या बोला था, अपने को एक ऐसा इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस करने का है ताकि एंटायर गेन्स ऑफ इंप्रूव प्रोडक्शन शुड नॉट गो टू वर्कर्स. यहां पर क्या होता है कि आपको एक ऐसा स्कीम चाहिए ताकि सारा प्रॉफिट ऑफ डूइंग द प्रोडक्शन फास्टर डज नॉट गो टू द वर्कर्स. तो HALSE स्कीम भी ये सैटिस्फाई करता है क्योंकि 50% वर्कर्स को जाता है, 50% तो अपने पास रहता है. रोवन स्कीम भी सैटिस्फाई करता है. ठीक है, इन द नेम ऑफ द स्पीड क्वालिटी शुड नॉट सफर. ऑब्वियसली ये वाला कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ कौन सी स्कीम का है, रोवन स्कीम. द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली एस्टैब्लिश्ड इज लायबल टू कमिट मिस्टेक्स. नाउ ये वाला कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली कोई भी सैटिस्फाई नहीं करता. जब मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था, मैंने तुमको वो बताया भी था, आईसी को वो वाला पार्ट नहीं पूछना चाहिए था. तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ चेंज करके बस रोवन को बेटर बता दिया और कुछ नहीं. ठीक है, आगे. ये वाला आंसर तब भी लिखना इफ इट इज आस्क्ड टू प्रूव दैट रोवन इज बेटर देन HALSE. ठीक है, अच्छा, आगे. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ वीक कैलकुलेट वेजेस अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम. याद रखना, स्ट्रेट पीस रेट के अंदर अपने को रेट पर यूनिट की जरूरत पड़ेगी. एक हमेशा एक चीज जरा याद रखना, चाहे रेट पर यूनिट हो चाहे रेट पर आर हो, इट हैज टू बी नोन टू अ वर्कर बिफोर द वर्क स्टार्ट्स. ठीक है, तो कभी रेट पर यूनिट नहीं दिया हुआ कैलकुलेट करना, कभी रेट पर आर नहीं दिया हुआ कैलकुलेट कर लेना. लेकिन कैलकुलेट करने के लिए जो डेटा ले रहे हो वो वही वाला डेटा होना चाहिए विच इज नोन टू यू बिफोर दैट पीरियड स्टार्ट्स. ठीक है, अगर कभी रेट पर यूनिट नहीं दिया हुआ, यू कैन ट्राई टू टेक रेट पर आर एंड यू कैन डिवाइड दैट पर्टिकुलर थिंग बाई यूनिट्स पर आर, तो तुम लोग को आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो जितने भी यूनिट्स बनाए इनटू रेट पर यूनिट कर लो, तुम लोग को आंसर मिल जाएगा. दैट इज वन थिंग. उसके बाद डिफरेंशियल पीस रेट. डिफरेंशियल पीस रेट जो है इन दिस पर्टिकुलर केस, वो जो है वो कैसे काम करता है, सम के अंदर वो लोग तुमको डिफरेंशियल पीस रेट देगा. वरना याद होगा बाद में तीन ऑथर्स भी आए थे, टेलर, मेरिक एंड गैंटा सिस्टम. ओके, तो यू कैन ट्राई टू यूज दोज ऑथर्स ऑल्सो. ऑल्दो इस क्वेश्चन के ने दिया हुआ था एफिशिएंसी इतना है तो इतना रेट, इतना है तो इतना रेट, जस्ट अप्लाई वट एवर द सम सेज. और उसके बाद सी डी ई एफ एंड जी, दीज वर ऑल टाइम बेसिस सिस्टम्स बेसिकली. ठीक है, ये सब केसेस के अंदर तुम्हारा जो वेजेस कैसे कंप्यूट होता है उसके लिए तुम लोगों को फॉर्मूलाज मालूम होना चाहिए. नाउ तो ये सब चीजों का फॉर्मूला वो तुम लोग को याद होना चाहिए. HALSE का फॉर्मूला अभी अभी बोला, रोवन का फॉर्मूला ये तो तुम लोग को याद रहेगा ही. बात सिस्टम का फॉर्मूला जरा याद करो कैसे कंप्यूट होता है. सर रेट पर आर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स. स्टैंडर्ड आवर्स मतलब टाइम अलाउड. ठीक है, अच्छा.
Budok system jo marji ho, whatever is the name as such, ultimately halse ke andar agar hum log 50% pay karte the budoks ke andar, that starts to become 75%, baki sab kuch wahi hai yaar. Okay, aur immersion thoda sa complicated tha system, uske andar hum logon ne kuch efficiencies kiya hua tha. Zara yaad karo, agar 66 2/3 hai to 0, 66 2/3 se leke 100% tak hoga to your bonus will vary between 0.01% to 20%. Aur agar usse zyada hoga to hum tumko tumhara normal wages wo de denge plus tumko 20% ka extra denge plus jitna bhi 100% ke upar tumhara efficiency hai har us point ke liye we will start to give you 1% more. To suppose tumhara efficiency 110% hai, ठीक है, अगर 110% है तो what we will do, जितना भी तुम्हारा basic wages वो बनता है पहले उतना तो दे देंगे plus तुमको 20% extra देंगे, तो 100 के ऊपर 20% extra, ठीक है, plus तुम लोग 100 के ऊपर 110 तक गए, 10% extra किया, for every 1% I give you 1% more, so for 10% I'll give you 10% more, तो totally 100 के ऊपर पहले एक बार 20 आ जाएगा, फिर जो है एक बार 10 आ जाएगा, so in all तुमको 30% का bonus मिल जाएगा, ठीक है. अच्छा, efficiency के लिए तुमको कभी ना कभी efficiency calculate करना पड़ेगा in terms of a percentage, वो चीज ऐसे compute हो सकता है. Suppose for a small example, 50 hours का काम था, तुम लोगों ने 40 hours के ना complete कर लिया, तो तुम लोगों ने कितना hours बचा लिया, 10, so 10 upon 50, तुम्हारा time saved जो था, कितने percent का था, 20%, that is your efficiency over and above the normal level, ठीक है, चलिए, ये वाला काम हो गया, फिर उसके बाद, 6th, इसके अंदर बस एक प्रिंसिपल मैंने वो बोला था, शायद तुम लोगों को याद होगा, and that is one of the ways to increase your bonus is to increase the standard time. तो अगर कभी standard time बढ़ा देते हैं, automatically bonus आ जाएगा, क्योंकि worker का efficiency improve हो जाएगा, ठीक है? ये जो question number 7 था, this was too important a question, okay? क्योंकि यहाँ पर इस question number 7 के अंदर worker लोगों को हम लोगों ने commitment दिया था, तुम लोग 20% extra दो, नहीं, तुम लोग 25% extra दो in terms of production, हम तुमको 20% extra देंगे in terms of bonus. तो एंड के अंदर जब भी हम लोग को कंक्लूजन लिखने का था, हम लोगों ने ये देखा एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ, क्या वर्कर लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन 25% का दिया, अगर उन लोगों ने अपना कमिटमेंट फुलफिल किया फिर हम लोग भी उनको एक्स्ट्रा बोनस दे देगा 20% का, हम लोग वो वाला स्कीम लॉन्च करेगा जिसके अंदर उनको 20% का बोनस मिल जाए एज कंपेयर टू देयर करंट सिस्टम, ठीक है. चलिए, ये वाला काम हो गया था. उसके बाद 8 जो है, this was an easy question, you had to calculate the wages under day wages. Day wages मतलब number of hours worked in a day into rate per hour, खतम. Piece wages मतलब SPR system, number of units produced into rate per unit. अगर कभी rate per unit नहीं है, अभी बोला, कैसे compute होगा, rate per hour divided by units per hour. Halsey scheme and Rowan scheme, now you all know. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था तुम्हारा, यहाँ पे सामने अपने को कुछ वेजेस कैलकुलेट करके दिया हुआ था, ये वाला 6 वर्कर्स का, और तुम लोग को पता लगाना था कि वो करेक्ट है कि नहीं है. तो ये जो पहले 3 लोग थे, दीज वर ऑन एसपीआर सिस्टम, लेकिन याद करो इस क्वेश्चन के ना एक मिनिमम वेजेस का फंडा भी था. मिनिमम वेजेस का फंडा कैसे काम करता है कि भाई तेरे को इतना वेजेस तो देगा ही देगा, हाँ, लेकिन अगर तेरा इससे ज्यादा बनता है फिर तो इससे ज्यादा बोल ले लेना, लेकिन इस मिनिमम से तेरे को कम नहीं देगा. तो ऐसे केसेस के ना हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग दो चीजें निकालते हैं. कौन सी दो चीजें, वी कंप्यूट वेजेस एज पर द प्लान, we calculate minimum wages, और जो भी higher होता है we will be going for that, ठीक है. तो हम लोगों ने exactly वही वाला काम तो किया था इधर, okay. तो first 3 cases के अंदर it was easy one, Rajesh, Mohan, John, और इनके hours के अंदर downtime hours included था, मैंने class के ना वो reason भी बताया था, ठीक है. ये हो गया एक चीज. अक्षय का percentage bonus plan था, तो percentage bonus plan अपने को words के अंदर दिया हुआ था कि implement कैसे करने का, हम लोगों ने एक एक line पढ़ के answer निकालना start कर दिया था, end तक अपने को answer मिल गया था, और last 2 को immersion plan apply होता था, तो immersion के लिए सामने अपने को बोला हुआ था इस वक्त कि immersion plan कैसे apply होगा, तो हम लोगों ने वो करके यहाँ पर answer जो है वो निकाल दिया था, ठीक है. चलो, ये हो गया तुम्हारा ये वाला काम. उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी. तीन वर्कर्स का नाम वो किया था, रजनीकांत, चिरंजीवी, नागार्जुना. अभी अपने को तीनों प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड टाइम वो दिया हुआ था, और यहाँ पर एक चीज बहुत तगड़ा एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट नंबर 2 वाला, पीस वर्क अर्निंग्स बट गारंटीड एट 75% ऑफ बेसिक पे इफ हिज अर्निंग्स आर लेस देन 50% ऑफ बेसिक पे. उसका मतलब क्या है, फिर से पढ़ता हूं, चलो एक बार. पीस वर्क अर्निंग्स, ठीक है, तो तुमको वेजेस मिलेगा बेस्ड अपॉन पीस रेट, बट गारंटी दैट 75% गारंटीड आर्ली रेट इफ हिज अर्निंग्स आर लेस देन 50% ऑफ बेसिक पे. उसका मतलब क्या है, सपोज इन दिस पर्टिकुलर केस तुम्हारा बेसिक वेजेस जो है वो 100 आता है, बेसिक वेजेस मतलब आर्स के हिसाब से, ठीक है. उसके बाद हम लोग तुम्हारा पीस रेट सिस्टम के हिसाब से वेजेस निकाल लेंगे. इफ दिस फिगर इज लेस देन 50% ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर, मतलब चलो एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज ये वाला फिगर 60 है, इज दिस फिगर लेस देन 50% ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर? नो सर. So if it is not, then in this particular case, the minimum wages will not apply. बात खत्म हो गई. तो then you pay 60 rupees only. But अगर suppose ये वाला जो figure है, ये 40 करता हूँ, चलो अगर suppose ये 40 कर लिया, is this figure less than 50% of this particular figure? Yes. Then we guarantee you 75% of basic pay. तो तब मैं तेरे को minimum कितना वो दे दूंगा, 75, ठीक है. तो तुमको ना वो वाला comparison जो है तो वो मारना पड़ेगा in this case, ठीक है. चलो ये वाला काम भी हो गया. उसके बाद ये एक question था based upon slab rate, जिसको हम लोग sliding scales बोल देते हैं. इन कॉस्टिंग वी कॉल स्लैब रेट्स एज स्लाइडिंग स्केल्स बिकॉज दे फॉल, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग एक एक स्लैब करके देखते हैं, इस स्लैब का बोनस कितना आता है, इस स्लैब का बोनस कितना आता है, करते रहो जब तक आंसर नहीं आता, ठीक है. चलो आगे, द स्टैंडर्ड टाइम. अभी इसके बाद जो ये वाला पार्ट है इन दिस केस, यहाँ पर कुछ नहीं बोला था, तो हम लोगों ने स्लैब रेट्स यूज़ नहीं किया था, हम लोगों ने फ्लैट रेट्स यूज़ किया था. प्लीज़ याद रखना, अगर सामने कुछ अपना स्कीम दे दिया देन डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड, फिर हम लोग कुछ बात भी नहीं करेंगे उसके बाद, ठीक है. चलो आगे, क्वेश्चन नंबर थर्टीन के अंदर, यहाँ पर वर्कर इतने आवर्स काम करता है और तुमको ओवर टाइम के लिए दो ऑप्शन बोला गया था, 9 आवर्स तक सिंगल रेट, ओवर 9 आवर्स है डबल रेट. तो सोच लो स्कीम के हिसाब से 9 घंटे के ऊपर कभी काम होता है, ठीक है, तो तब डबल रेट दे देंगे. अच्छा, ये एक स्कीम था. दूसरा 48 आवर्स अ वीक तक सिंगल रेट एंड ओवर 48 आवर्स तो डबल रेट. यहाँ पे 48 आवर्स तक सिंगल रेट, उसके बाद डबल रेट, वट एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द वर्कमैन. तो जिधर भी वेजेस हायर आया हम लोगों ने पे कर दिया, ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद ग्रुप बोनस के हम लोगों ने दो क्वेश्चन किए थे. ग्रुप बोनस के ना पहले देख लो, ओवरऑल बंदा एफिशिएंट, सॉरी ओवरऑल ग्रुप एफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है. तो पहले पूरे ग्रुप का बोनस निकाल लो और फिर सम तुम लोग को बोल ही देगा ये वाला ग्रुप बोनस हर बंदे के अंदर कैसे डिवाइड करने का. फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है. जैसे यहां पर क्या हुआ था, पूरे ग्रुप को 100 रुपये का बोनस वो मिला था क्योंकि उन लोगों ने कुछ आर्स वगैरह तो वो बचाया था. ये 100 रुपया कैसे आ गया था, कुछ 500 आर्स बचाए थे मेरे ख्याल से एट द रेट ऑफ 0.2, सो देयरफॉर 100 रुपीस. और फिर हम लोगों ने हर बंदे के लिए क्या बोला था कि इन दिस केस नो, एक बार ये वाला जो बोनस है कंप्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद हर बंदे को बोनस दे देंगे एट द रेट ऑफ 10%. तो 2 का 10% वॉज 0.2, तो उसके हिसाब से तो यहां पर तुम्हारा आंसर आ गया था, ठीक है. सुनो, ये हो गया तुम्हारा एक आंसर, ठीक है. फिर उसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर सब कुछ बहुत इजी था. वहाँ पे रिवॉर्ड्स भी थे, वहाँ पे पेनल्टीज भी थे. एक अलग चीज़ जो आया था दैट वाज, जो आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ था एक महीने का 16,800 टन्स था, बट फॉर कितना डेज, 28 डेज. लेकिन सच्ची के अंदर
फैक्ट्री हैड ओनली ओपन फॉर 25 डेज. फिर हम लोगों ने रिवाइज स्टैंडर्ड वो मारा था, कितने डेज का, 25 डेज का, ठीक है. तो उसके हिसाब से उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह हुआ था, ठीक है. चलो वो वाला पॉइंट याद रखना. फिर उसके बाद यहाँ पे तुम लोगों ने पीस रेट के लिए तीन ऑथर्स का व्यू किया था, टेलर, मेरिक एंड गैंटा सिस्टम. अभी टेलर ने यहाँ पे जो एफिशिएंसी है दो हिस्सों के अंदर वो बोला था, वो क्या बोलता है, तुम्हारा एफिशिएंसी 100% से कम होगा, तुमको नॉर्मल रेट भी नहीं देगा, तुमको 83% रेट देगा. 100% या उसके ऊपर है, तुमको नॉर्मल रेट के ऊपर 25% देगा, मतलब 125% देगा. मेरिक ने यही वाली चीजें जो था काफी हिस्सों के अंदर डिवाइड करके वो रखा हुआ था. उसने क्या बोला था कि अप टू 83% तुमको नॉर्मल रेट देंगे, 83% के ऊपर एंड अप टू 100% तुमको 110% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट देंगे. उसके बाद अगर 100% के ऊपर गया तुमको 130% ऑफ नॉर्मल रेट देंगे, ठीक है. ये मेरिक का स्कीम था. इस बंदे का स्कीम अलग था. ये बंदा क्या बोलता है, मैं ना तुम्हारा एफिशिएंसी देखूंगा, एफिशिएंसी मैं पहले पता लगाऊंगा, लेस देन 100 है, इज इक्वल टू 100 है कि ग्रेटर देन 100 है. अगर लेस देन 100 है तो फिर मैं तुमको पीस रेट सिस्टम दूंगा ही नहीं, मैं तुमको वेजेस दे दूंगा बेस्ड अपॉन टाइम बेसिस. अगर एग्जैक्टली 100% है, आई विल पे यू द वेजेस बेस्ड अपॉन 120% ऑफ टाइम वेजेस, टाइम वेजेस. और अगर 100% के ऊपर गया, आई विल पे यू 120% ऑफ योर पीस रेट सिस्टम. तो यहाँ पे टाइम वेजेस है, यहाँ पे 120% ऑफ टाइम वेजेस है, लेकिन यहाँ पर रेट पर यूनिट है एट द रेट ऑफ 120%, ठीक है. चलो ये वाला भी काम हो गया था. प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इन दिस केस इज सिंपल एज इज, आई वॉन्ट टू बी फाइंडिंग आउट योर एफिशियंसी और योर इनएफिशियंसी, ठीक है. फॉर ईच यूनिट आई विल बी कॉलिंग दैट थिंग एज प्रोडक्टिविटी इंडेक्स. वो चीज़ कंप्यूट कैसे होता है, स्टैंडर्ड टाइम एक्सक्लूडिंग नॉर्मल आइडल टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल एवरेज टाइम टेकन, दैट इज एफिशिएंसी आउट ऑफ वन. यहाँ पे वो निकालना सीखा था, यहाँ पे उसको रिवर्स करके कुछ और डेटा निकाल दिया था, ठीक है. उसके बाद लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर हम लोगों ने थ्री मेथड से किया था, सेपरेशन मेथड. लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है वैसे, इट्स द रेट एट विच वर्कर्स आर जॉइनिंग और लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन. तो सेपरेशन मेथड के अंदर वी सी हाउ मेनी वर्कर्स हैव सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द 100. रिप्लेसमेंट मेथड, जो लोग छोड़ के गए अपने को, नंबर ऑफ वर्कर्स जो लोग छोड़ के गए उसके बदले में कितने लोग आ गए. So in this particular case, excluding the workers joining on an expansion program, excluding the workers joining on an expansion program. और उसके बाद तुम्हारा फ्लक्स मेथड. लेकिन फ्लक्स मेथड के ना मैंने तुम लोग को दो केसेस करवाया था. फर्स्ट ऊपर वाले दो आंसर्स ऐड कर दो, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड प्लस रिप्लेस्ड एक्सक्लूडिंग द वर्कर्स ज्वाइनिंग ऑन एन एक्सपेंशन प्रोग्राम, वो एक मेथड था. Divided by average number of workers into 100, वरना एक आजकल नया मेथड भी फेमस हो रहा है, usually exams के ना ये वाला मेथड यूज करना, number of workers separated plus replaced including the workers joining on an expansion program, okay. तो यहाँ पे इस वाली चीज को हम लोग number of accessions भी बोल देता है. लास्टली एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे कंप्यूट हो जाएगा, शुरू में कितने वर्कर्स थे प्लस एंड में कितने वर्कर्स थे डिवाइडेड बाई टू एज सच, ठीक है. हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस किए थे, उसके से ये वाला जो क्वेश्चन है प्लीज ध्यान से एक बार नोटबुक्स के ना देख लेना. उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ लेबर पेड ऑन फिक्स्ड बेसिस सिस्टम, अगर हम लोग वर्कर्स लोग को फिक्स्ड बेसिस के ऊपर पे कर रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस कुछ ऐसा, अगर फिक्स्ड सिस्टम के ऊपर पे कर रहे हैं देन आपको सबसे पहले C2C निकालना पड़ेगा. C2C कैसे कंप्यूट हो जाएगा, C2C इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी बेसिक वेजेस प्लस एनी अलाउंसेस प्लस एनी परक्यूजिट्स प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस. सो पहले C2C निकाल लेना, ठीक है. एक बार C2C निकाल लिया, हाउ टू डिवाइड दैट अमंग द वेरियस जॉब्स दैट आर हैपनिंग, क्योंकि फिक्स सैलरी है ना, तो कैसे डिवाइड करेंगे. तो दो मेथड है, एक लेबर आर मेथड और एक परसेंटेज मेथड. लेबर आर मेथड के ना क्या कर लेते हैं, एक लेबर आर रेट निकाल लेंगे, पहले C2C लेंगे, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ आवर्स वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क बट एक्सक्लूडिंग NIT. एक बार ये वाला रेट आ जाएगा, ये वाला रेट हर एक जॉब को अप्लाई करते रहेंगे
और अगर सारे के सारे आर्स अकाउंट नहीं हुए वी से बैलेंसिंग फिगर विल बी एबनॉर्मल आइडल आर्स वी विल डेबिट दैट पर्टिकुलर थिंग टू कॉस्टिंग पीएनएल. ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही था. तो यहाँ पे हमारा कुछ टोटल आर्स आया था, कुछ एक सी टू सी आया था 1320 डिवाइडेड बाई कुछ 44 आर्स आए थे एक्सक्लूडिंग नॉर्मल आइडल टाइम. तो तुम्हारा यहाँ पे रेट पर आर जो आया था वो 30 आ गया था. एक्स के ऊपर इतना आर्स काम हुआ, वाई के ऊपर इतना, जेड के ऊपर इतना. तो इसका जो मैंने टोटल मारा ना, ये वाला जो चीज़ है, दिस इज इन दिस केस 15 प्लस 12 प्लस 13. तो ये वाला जो टोटल है यहाँ पर कितने आर्स का आ गया, 40 आर्स. लेकिन हम लोगों ने सोचा था वर्कर्स लोग 44 आवर्स काम करेंगे, तो 4 आवर्स एबनॉर्मली वेस्ट हो गए. तो 4 आवर्स इनटू 30 रुपीस, इतना कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को डेबिट हो जाएगा. तो अपना फाइनल आंसर क्या था, जॉब एक्स के ऊपर 15 आवर्स काम हुए ना इनटू 30, इतना जॉब एक्स को डेबिट कर दो, इतना जॉब वाई को, इतना जॉब जेड को. और उसके बाद जो तुम्हारा लास्ट वाला है इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज 4 आवर्स इनटू 30, वो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को डेबिट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन ये वाला जो था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ दिस टाइप. यहां पर आप लोग सी टू सी निकाल लेते हो और इस परसेंटेज के अंदर बस डिवाइड कर लेना. हाँ, अगर कुछ ओवर टाइम हुआ स्पेशली ऑन अ सर्टन जॉब, तो भाई वो वाला अमाउंट तो डायरेक्टली उसी जॉब को चला जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर. अभी कई बार क्या होता है, वर्कर लोगों को निकाल के स्टार्ट टू ब्रिंग इन द मशीन्स ताकि द प्रोडक्शन विल राइज एंड आर कॉस्ट विल फॉल. तो यहाँ पे एक ऐसा ही प्रपोजल था कि हम लोग सोच रहे थे कि यार वर्कर्स को निकाल के मशीन्स को लेकर आए क्या. अपने को बोला था एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के दे देना. ठीक है, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल दिया था, कुछ 1920 आया था. एक बार 1920 आ गया था, फिर हम लोग को एडवाइस भी देना था करें या ना करें. तो अपने को एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट की जरूरत भी पड़ी. तो अपने को ना कैपिटल कॉस्ट का लाइफ नहीं दिया हुआ था. हम लोगों ने बोला था वी अज्यूम द लाइफ टू बी इनफाइनाइट. ओके, तो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट वॉज जीरो. तो जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन था वही एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन गया था, एंड अकॉर्डिंगली वी एक्सेप्टेड दैट पर्टिकुलर प्रपोजल. ठीक है, एक बार ये वाला काम हो गया. क्वेश्चन नंबर 28 तुम्हारा, दैट वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन कि लेबर टर्नओवर की वजह से प्रॉफिट कैसे गिरता है. तो बेटा लेबर टर्नओवर की वजह से प्रॉफिट दो वे से गिरेगा. फर्स्ट, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सेल्स कम हो जाएगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा. दूसरा, न्यू वर्कर्स आएंगे, उनका ट्रेनिंग कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट, तो कॉस्ट विल राइज. तो प्रॉफिट गिरेगा बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. विच टू थिंग्स? डिक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरा इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट. ये वाला जो पार्ट है ये आपको कंप्यूट करना पड़ेगा. ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, ये आपको हर एक सम डायरेक्टली दे देगा. तो ये कंप्यूट कर लेना, ये सम दे देगा, एड अप करके आंसर आ जाएगा. डिक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कभी चाहिए तो आप डिक्रीज इन सेल्स निकाल देना इनटू पीवी रेशो निकाल लेना. ओके, तो बस ये वाला काम करोगे आंसर आ जाएगा. जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, एज वी ऑल हैड टॉक्ड अबाउट एग्जाम्स के ना बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था. तो यहाँ पे आपको सेल्स निकालने के लिए आर्स यूज करना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे बराबर से देख लेना हम लोगों ने क्या किया था. तो 430,000 आर्स यूज करके अपना सेल्स हुआ था. फिर हम लोगों ने क्या सोचा, अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो अपने को 1,00,000 आर्स और भी मिल जाते तो और कितना सेल्स हो जाता. दिस फिगर वॉज सेल्स लॉस्ट, एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से अपने फर्दर आंसर्स आ गए थे. ठीक है, एक बार सेल्स लॉस्ट मिल गया, पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस मिल गया, फिक्स कॉस्ट ऐड कर दिया, तुम्हारे आंसर्स आ गए. दैट्स इट. ओके, now this was your revision of labor costing. This is one topic that is important. Exams ke andar 8 marks you all can expect ki is chapter se aata hai. Okay, let's catch each other in the next lecture of absorption costing, that is overheads. Okay, bye, see you all.